नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर जो है आपका यूबी एकेडमी चैनल पर स्वागत है आपका। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आपका नेट इंडिया नेट जीएलएफ का पेपर वन का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर हर रोज डेली आपका एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस होगा और आपका मार्च से स्टार्ट होकर जून जो है आपका जो जून एग्जाम होने वाला है नेट का 2023 में, उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, उसी के देखते हुए यहाँ पर हम लोग पर डे आपका 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू होगा और यहाँ पर आपका जो है टोटल इसमें 7 यूनिट आपका पेपर उनका होगा। ठीक है, और तो आज हम आपका मार्च महीने का सेट नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो मार्च महीने का सेट नंबर 5 है ये। ठीक है, और इस पर आपका 100+ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इससे पहले देखिए आपका ये जो यूबी एकेडमी चैनल है उसी में आपका ये प्लेलिस्ट है। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में आपको लगभग 52 वीडियो 52 वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और हर एक वीडियो में आपका लगभग 50 से 100 क्वेश्चन है, तो इस प्रकार आपका लगभग 5000 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को आप लोग शुरू से देखिए। ठीक है, और आपको आराम से जो है हर एक क्वेश्चन जो आपका इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेट नंबर 5 जो कि आपका होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन इसमें। तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द, तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैचिंग। फ्रॉम द गिवन पेयर, आपको यहाँ पर जो इनकरेक्ट है उसको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका भी डार्पा DARPA डिजिटल एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, आपका गलत है। ठीक है, बाकी आपका सब सही है। ठीक है, तो डार्पा स्टैंड फॉर, तो डार्पा का क्या फुल फॉर्म होता है, तो इसका फुल फॉर्म जो सही फुल फॉर्म है वह डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ठीक है, तो डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इसका सही है। ठीक है, तो डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी डार्पा इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर यूज बाय द मिलिट्री। ओरिजिनली नोन एज द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट आर एजेंसी आरपा। ठीक है, एंड इट वॉज फाउंड इन 90 फरवरी 7, 1958। ठीक है, अदर ऑप्शन जो आपका था तो कैप्चा का फुल फॉर्म है कम्प्लीटली, तो कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर एंड ह्यूमन अपार्ट। ठीक है, एंड इज ए टाइप ऑफ सिक्योरिटी मेजर्स नोन एज चैलेंज रिस्पॉन्स ऑथेंटिकेशन। ठीक है, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो DHTML का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज वाइल DHTML इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज। द एप्लीकेशन ऑफ DHTML वॉज इंट्रोड्यूस बाई माइक्रोसॉफ्ट विद द रिलीज ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर बाई फोर इन 1997। ठीक है, एक और आपका था डी रैम, तो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑल कंप्यूटर्स हैव रैम एंड DRAM इज ए वन काइंड ऑफ रैम वी सी इन मॉडर्न डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। डी रैम वॉज इन्वेंटेड इन 1968 बाई रॉबर्ट टेनार्ड एंड पुट टू मार्केट बाई इंटेल डॉक इन 70s। DDR3, तो DDR3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ डी रैम। ठीक है, क्वेश्चन आपका 2 है, एंसेंट मिथिला यूनिवर्सिटी वॉज एन एंसेंट यूनिवर्सिटी एंड वॉज फेमस फॉर, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देयर आर 4 ऑप्शन गिवन बिलो एंड यू हैव टू चूज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्याय शास्त्र एंड लॉजिक साइंस लॉजिकल साइंस है। तो एंसेंट मिथिला यूनिवर्सिटी वॉज एन एंसेंट यूनिवर्सिटी एंड वॉज फेमस फॉर न्याय शास्त्र एंड लॉजिकल साइंसेज। ठीक है, आपका क्वेश्चन 3 है हु इज नोटेबल फॉर इट्स एथेटिक रासा थ्योरी एंड ऑल्सो कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन थियरेटिकल आर्ट फॉर्म। ठीक है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भरत मुरी, तो हु इज नोटेबल फॉर इट्स एथेटिक रासा थ्योरी एंड ऑल्सो कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन थियरेटिकल आर्ट फॉर्म, भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि वॉज एन एंशियंट सेज हु द म्यूजिकल ट्रिटाइज नाट्य शास्त्र इज ट्रेडिशनली एट्रिब्यूटेड टू। नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनियन अभिनय दर्पण बाय नंदी केश्वरा आर कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनल सोर्स ऑफ भरतनाट्यम एंड इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन कंसिडर्ड द फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक एंड इवन लेवल्ड एज द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक। इस करेक्ट आंसर ऑप्शन बी पाणिनि। ठीक है, तो पाणिनि नोन फॉर हिज टेक्स्ट अष्टाध्यायी ए सूत्र स्टाइल ट्रिटाइज ऑन संस्कृत ग्रामर। पाणिनि वॉज ए संस्कृत
फिलोलॉजिस्ट ग्रामेरियन एंड रिवर्ड स्कॉलर इन एंसेंट इंडिया, ठीक है। निशा का क्वेश्चन 5 है, ASCII स्टैंड फॉर, ठीक है। तो इसका आंसर पहले से क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेवल ऑफ टीचिंग विच डिमांड द यूज ऑफ हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। द लेवल ऑफ टीचिंग विच डिमांड द यूज ऑफ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इज रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग, ठीक है। द रिफ्लेक्टिव लेवल इज ऑल्सो नोन एज द इंट्रोस्पेक्टिव लेवल, एंड रिफ्लेक्टिव ऑन समथिंग मीन्स गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव, तो टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल इनेबल्स द स्टूडेंट टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्सेज ऑफ वर्बल डाटा, आपका वर्बल डाटा का क्या सोर्स है, क्या राइट कोड है, तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर डी, 2, 3, 4 आर द राइट आंसर, ठीक है। वन मिनट, तो 2, 3, 4 आर द राइट, ठीक है। तो सेम ही स्ट्रक्चर, इंटरव्यू नरेटिव इंटरव्यूज एंड फोकस ग्रुप, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ वर्बल डाटा, तो सेम ही स्ट्रक्चर, इंटरव्यू नरेटिव इंटरव्यूज एंड आपका फोकस ग्रुप, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन इज एनी कम्युनिकेशन डैट यूजेस वर्ड्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद द अदर, सम फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन आर रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोर्सेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन डाटा, तो सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू, तो सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज आर वाइडली यूज इन क्वालिटेटिव रिसर्च, फॉर एग्जाम्पल इन हाउसहोल्ड रिसर्च सच एज कपल इंटरव्यूज। नरेटिव इंटरव्यूज, तो नरेटिव इंटरव्यूज कैन हेल्प रिसर्चर टू बेटर अंडरस्टैंड पीपल्स एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर्स। फोकस ग्रुप, ए ग्रुप ऑफ 6 to 10 पीपल यूजुअली एट मीट टू एक्सप्लोर एंड डिस्कस टू ए टॉपिक सच एज ए न्यू प्रोडक्ट, यू यूज ए फोकस ग्रुप इन ए क्वालिटेटिव रिसर्च। ट्रैफिक सिग्नल्स एंड बॉडी लैंग्वेज आर टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेथड। व्हाट इज एप्रोक्सीमेटली परसेंटेज शेयर ऑफ न्यूक्लियर पावर, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेटली परसेंटेज शेयर ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 3%, ठीक है। तो आपका 3% सही होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर इज द 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया आफ्टर कोल, गैस, हाइड्रोलिसिटी एंड विंड पावर। न्यूक्लियर पावर इज द फ्यूज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टू रिप्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एज ऑफ नवंबर 2020, इंडिया हैज 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन ऑपरेशन इन 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट विथ ए टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 6,790 मेगावाट। 10 मोर रिएक्टर्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन विथ ए कंबाइंड जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 8,000 मेगावाट। इंडियाज प्रेजेंट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी ऑफ 6,790 मेगावाट इज प्लान टू बी इंक्रीज टू 22,480 मेगावाट बाई 2031। द शेयर ऑफ न्यूक्लियर पावर इन टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द कंट्री इज अबाउट 3.1% इन द ईयर 2021। द न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया वॉज लॉन्च्ड अराउंड द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ होमी जे भाभा, ठीक है। एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इज द अप्सरा रिसर्च रिएक्टर सिचुएटेड इन मुंबई। रॉबर्ट ऑपेनहाइमर फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है। इंपॉर्टेंट वन लाइनर आपका क्वेश्चन पर कुछ दिया हुआ पढ़ते, तो विच न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया हैज़ द हाइस्ट कैपेसिटी, तो कंडन कुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट इन तमिलनाडु इज द हाइस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया विथ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 2000 मेगावाट। विच इज एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, तो अप्सरा रिसर्च रिएक्टर इन मुंबई इज एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। वेयर इज नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड, तो वेयर इज नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड, तो नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। हाउ मेनी ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर देयर इन इंडिया, तो इसका राइट आंसर, एट प्रेजेंट इंडिया हैज 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर रिएक्टर इन 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स विथ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 6,790 मेगावाट। नेम एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, तो एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इज द अप्सरा रिसर्च रिएक्टर सिचुएटेड इन मुंबई। विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, तो तारापुर अटोमिक पावर प्लांट वन टापास वन इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। इट इज ऑपरेशनल सिंस अक्टूबर 1969 एंड इज सिचुएटेड इन बोईसर महाराष्ट्र।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर टू है, द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन विच गिव्स फीडबैक टू स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर इज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में भी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। इंस्ट्रक्टर, तो इंस्ट्रक्टर क्रिएटेड एग्जाम, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, फाइनल प्रोजेक्ट, फाइनल रिप्रेजेंटेशन, फाइनल एसेस, फाइनल रिपोर्ट, फाइनल ग्रेड आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सबमिटिव असेसमेंट, सबमिटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। इन क्लास डिस्कशन वीकली क्यूज, 1 मिनट रिफ्लेक्शन, राइटिंग असाइनमेंट, होमवर्क असाइनमेंट आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग असाइनमेंट असेसमेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड आपका जो है डिसिप्लिनरी डोमेन जो आपका क्या क्या है, तो आपको आपको मिलाना है इसमें राइट आंसर क्या, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ए का टू हो जाएगा, ठीक है। तो ए का टू आई सी एस एस आर का हो जाएगा सोशल साइंस, बी का थ्री डी एस टी का आपका हो जाएगा साइंसेज, और सी का फोर आई सी एम आर का मेडिसिन, और आई सी पी आर का हो जाएगा फिलोसफी, ठीक है। तो आई सी एस एस आर का हो जाएगा सोशल साइंस, डी एस टी का साइंस, आई सी एम आर का मेडिसिन, और आपका आई सी पी आर का फिलोसफी हो जाएगा, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ, तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च आई सी एस एस आर वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1969 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट रिसर्च इन सोशल साइंस इन द कंट्री। द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डी एस टी इज अ डिपार्टमेंट विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इट वॉज इस्टेब्लिश इन मे 1971 टू प्रमोट न्यू एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड टू प्ले द रोल ऑफ नोडल डिपार्टमेंट फॉर ऑर्गेनाइजिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड प्रमोटिंग साइंटिफिक एंड जो है टेक्नोलॉजिकल एक्टिविटीज इन द कंट्री। इट गिव्स फंड्स टू वेरियस अप्रूव साइंटिफिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। इट ऑल्सो सपोर्ट वेरियस रिसर्चर्स इन इंडिया टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेज अब्रॉड एंड टू गो फॉर एक्सपेरिमेंटल वर्क्स। हेडक्वार्टर नई दिल्ली, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आई सी एम आर द एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर द फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड। इन 1911 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन आई आर एफ ए विद द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पॉन्सरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मेडिकल रिसर्च इन द कंट्री। आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल इंपॉर्टेंट चेंजेस वेर मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एक्टिविटीज ऑफ द आई आर एफ ए। इट वॉज रीडिजाइनेड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आई सी एम आर इन 1949 कंसिडरेबली एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ फंक्शन। द आई सी एम आर, तो आई सी एम आर इज फंडेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1911 में एस ए आई आर एफ ए 1949 आई सी एम आर एंड इट्स हेड क्वार्टर इन न्यू दिल्ली। इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च आई सी पी आर वॉज डिजाइंड इन एस्टैब्लिश इन मार्च 1927 अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एज एन एपेक्स लेवल बॉडी अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960। हाउएवर द काउंसिल फॉर्मली बिकेम एक्टिव इन जुलाई 1981 विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेसर डी पी चट्टोपाध्याय एज द चीफ फर्स्ट चेयरपर्सन एंड इट्स हेड क्वार्टर इन न्यू दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर मुक प्लेटफॉर्म, तो विच अमंग द फॉलोइंग आर मुक प्लेटफॉर्म, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 4 5 6 7 इन 9 10 8 को छोड़ा कर बाकी आपका सारा मुक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो EDX, Udacity, फ्यूचर लर्न, यूडेमी, कोर्सेरा, फॉसी, स्वयं, मुकिट एंड IIT BX ऑल आर मुक प्लेटफॉर्म। उर्कुंड इज नॉट ए मुक प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मुक्स आर मोस्ट रिसेंट एंड प्रोमिनेंट ट्रेंड्स इन हायर एजुकेशन। मुक्स हैज विटनेस्ड ट्रेमेंडस ग्रोथ विद द यूथ इन्वॉल्वमेंट हैविंग रिकॉर्डेड लार्ज इन्वॉल्वमेंट। इंडिया हैज इनिशिएटेड वेरियस प्रोजेक्ट्स सच एज NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग IIT BX IIT Bombay X एंड स्वयं, ठीक है। तो मेनली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैव बीन डेवलप्ड टू प्रोवाइड ऑनलाइन कोर्सेज टू इनक्रेज कंटिन्यूइंग एजुकेशन इज अ ब्रॉड टर्म विच रेफर्स टू अ स्टूडेंट परसुइंग देयर पोस्ट सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन आफ्टर सम गैप। मुक्स आर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल फॉर एनीवन टू इनरोल, ठीक है। द लर्निंग कंटेंट ऑफ मुक्स इज क्रिएटेड बाई एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज सच एज हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, बर्कले एंड अदर टॉप यूनिवर्सिटीज। मुक्स ऑफर्ड हंड्रेड्स ऑफ कोर्सेज एंड विटनेस मिलियंस ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। स्टीफन डॉन्स एंड जॉर्ज साइमंस फर्स्ट पॉइंटर टर्म मुक्स इन 2008, ठीक है। एनी बॉडी विच विलिंगली टू लर्निंग कैन एनरोल एंड पार्टिसिपेट इन मुक्स
without any formal qualification restriction. Participation is completely free and open to anyone who has access to the internet. One might enroll more than one course. The materials developed throughout the course is shared and available to all. MOOCs courses are highly interactive. It provides opportunities to interact not only with the tutor but also with fellow students. The participants are encouraged to create and share their contribution. Four quadrant approach, tutorial, e-content, discussion forum and assessment. ठीक है, तो ये आपका four quadrant approach है. Across the world, there are many colleges, universities and other higher education institutions provide several MOOCs platform. Coursera, edX, Udacity, Udemy, Eversity, MediaDex and FutureLearn offer some of the well-known MOOCs platform around the US and Europe. Coursera is associated to be largest MOOC provider in the world. ठीक है, MOOCs platform in India. तो NPTEL, MOOCIT, edX, Coursera and Swayam are the prominent online platforms in India. Following is the list of online course providers in India. तो Swayam, NPTEL, MOOCIT, IIT Bombay X, Sixth India, BSKills, U18, Million Lights, Apna Course, Upgrad, EduCart, Learn For and Digital Vidya. ठीक है, तो ये आपका है ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइडर. ठीक है, तो आपको याद रखना है. ठीक है, कहीं से आपको सब पूछ सकता है. According to the option, the EDX, तो आपका जो EDX है, तो EDX is an American massive open online courses MOOC provider created by Harvard and MIT, Massachusetts Institute of Technology. EDX runs on the free open EDX open source software platform. EDX was founded in May 2012 by scientists from MIT and Harvard. ठीक है, Udacity Inc. is an American for-profit educational organization founded by Sebastian Thrun, David Stevens and Mike Sokolsky, offering massive open online course, founded June 2011 and launched February 22 and headquarters is in Merville, California. ठीक है, FutureLearn is a British digital education platform founded in December 2012. The company is jointly owned by the Open University and SEEK Limited. It is a massive open online course, MOOC, expert track, micro credential and degree learning platform. ठीक है, Udemy Inc. is a for profit massive open online course MOOC provider. It was founded in May 2010 by Arun Bali, Gagan Biyani and Oktak Kagler. Headquarter San Francisco, California, USA. Coursera Inc. is a US based massive open online course provider founded in 2012 by Stanford University computer science professor Andrew Ng and Daphne Kohler. Coursera works with universities and other organizations to offer online courses, certification and degrees in a variety of subjects. In 2021, it was estimated that about 150 universities offered more than 4,000 courses through Coursera. Headquarter, Montview, California, US. FOSI, the free library and open source software for education project, promotes the use of FLOSS tools to improve the quality of education in our country. The FOSI project is a part of the National Mission on Education for Information Communication Technology, Ministry of Education, Government of India. Swayam, so 2014, Ministry of Human Resource Development, MHRD announced Swayam, a study waves of active learning for a young aspiring mind, under the National Mission on Education through Information and Communication Technology, NMEICT. In 2015, MHRD formed the main committee regarding Swayam platform for MOOCs to conduct a thorough examination of all elements for a successful MOOC project. Swayam, in 2016 March, MHRD developed and provided guidelines to institutions for development and implementation of MOOCs. In June 2016, Microsoft was awarded a contract for development of Swayam. In 2017, the Swayam portal was successfully launched on 9th July 2017. ठीक है, उर्कुंड, तो उर्कुंड आपका उर्कुंड क्या है, तो
प्लैजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपका उर्कुंड जो क्या था तो प्लैजियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, ना कि आपका ये मुक प्लेटफॉर्म है, ये आपका नॉन मुक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये आपका मुक प्लेटफॉर्म नहीं है। मुक किट आपका क्या है, तो मुक किट इज एन ओपन सोर्स मुक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलप्ड एट IIT कानपुर। तो मुक किट इज एन ओपन सोर्स मुक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलप्ड एट IIT कानपुर। IIT BX, तो IIT बॉम्बे एक्स इज एन ओपन एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाई IIT बॉम्बे टू ऑफर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मुक्स। वाट टाइप ऑफ इवेल्यूशन इज इंटेंडेड टू ग्रेड रैंक क्लासीफाई कंपेयर एंड प्रमोट स्टूडेंट, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो वाट टाइप ऑफ इवेल्यूशन इज इंटेंडेड टू ग्रेड रैंक क्लासीफाई कंपेयर एंड प्रमोट स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सबमिटिव इवेल्यूशन, ठीक है। कंडक्टिंग ए टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्टिंग लर्नर्स टू ए पार्टिकुलर कोर्स इज एन एग्जाम्पल, तो ये किसका एग्जाम्पल है आपको बताना, ऑप्शन नंबर डी प्लेसमेंट इवेल्यूशन। कंडक्टिंग ए टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस एग्जामिनेशन फॉर सिलेक्टिंग लर्नर्स टू ए पार्टिकुलर कोर्स इज एन एग्जाम्पल प्लेसमेंट इवेल्यूशन। क्वेश्चन आपका 3 है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपका यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर डी, बोथ आर राइट, ठीक है, तो आपका बोथ आर राइट, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन, तो डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन इज कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव द लर्निंग डिफिकल्टीज, ये आपका सही है। एंड फॉर्मेटिव इवेल्यूशन, तो फॉर्मेटिव इवेल्यूशन इज टाइपिकली कंडक्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ ए प्रोग्रामर कोर्सेज। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्वयं प्लेटफॉर्म फॉर ऑफरिंग मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज मुक्स हैज हाउ मेनी पैटर्न फॉर डिजाइनिंग कोर्सेज, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 क्वाड्रेंट, ठीक है, आपका 4 क्वाड्रेंट्स होगा, ठीक है। द कोर्सेज हॉस्टेड ऑन स्वयं आर इन 4 क्वाड्रेंट्स, तो वीडियो लेक्चर स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड प्रिंटेड सेल्फ असेसमेंट टेस्ट थ्रू टेस्ट एंड क्विजेस एंड ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग द डाउट्स। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड रीजन, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर दिया बी, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों आपका सही है लेकिन आपका व्याख्या सही नहीं है। तो स्वयं प्रभा इज ए सेट ऑफ 34 चैनल डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम 24 आवर्स डे एंड हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन करिकुलम बेस्ड कोर्सेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कवर्ड बाई DTH चैनल, ये आपका सही है। तो आपका दोनों सही था, ठीक है। तो स्वयं प्रभा क्या है, द DTH चैनल सेल कवर द फॉलोइंग हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन 9 to 12 लेवल करिकुलम बेस्ड कोर्सेज असिस्ट स्टूडेंट क्लास 11 and 12 प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। मुकिट, तो मुकिट इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट सर्विंग करेंटली फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एजुकेशन, इट इज ऑफर्ड बाई, तो किसके द्वारा ऑफर्ड किया था, ऑप्शन नंबर ए IIT कानपुर, तो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्वयं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्वयं नेशनल कोऑर्डिनेटर डीलिंग विद टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ओनली 8, तो आपका जो है NITTER, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्वयं नेशनल कोऑर्डिनेटर डीलिंग विद टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो NITTER आपका सही होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इज प्रोड्यूस एंड डिलीवर्ड 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैव बीन अपॉइंटेड। NITTER स्टैंड फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है। डैश लेवल टीचिंग, तो डैश लेवल टीचिंग मोर डिलीवरेट टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट इंटरेक्ट विद कॉन्सेप्ट एंड हैज द नेम्स इम्प्लाइज कॉम्प्रिहेंड द कंटेंट, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग इज मोर डिलीवरेट टीचिंग मेथड इन विच स्टूडेंट इंटरेक्ट विद कॉन्सेप्ट एंड द नेम इम्प्लाइज कॉम्प्रिहेंड द कंटेंट। 9 आपका हु सेड एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए कैथरीन ईटन स्किनर। तो हु शेड एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग, तो कैथरीन ईटन स्किनर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ रिसर्च जर्नल, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर ऑप्शन में इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है। क्वेश्चन 11 है प्रेजेंटिंग फॉल्स ट्रांसक्रिप्ट और रेफरेंसेस इन एन एप्लीकेशन फॉर ए प्रोग्राम यूनिट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए फॉल्सिफिकेशन। तो प्रेजेंटिंग फॉल्स ट्रांसक्रिप्ट और रेफरेंसेस इन एन एप्लीकेशन फॉर ए प्रोग्राम यूनिट, फॉल्सिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ए डैश स्टडी इज ए टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन इन विच यू कलेक्ट डाटा फ्रॉम मेनी डिफरेंट इंडिविजुअल एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज अ टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन इन विच यू कलेक्ट डाटा फ्रॉम मेनी डिफरेंट इंडिविजुअल एट ए सिंगल पॉइंट इन टाइम। कुछ आपका 13 है, डैश डिजाइन इन्वॉल्व ए सिंगल स्टडी कंटेनिंग क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव डाटा कलेक्शन विच इज कलेक्टेड एट द सेम टाइम, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक कंकरेंट ट्रायंगुलेशन डिजाइन इन्वॉल्व्स ए सिंगल स्टडी कंटेनिंग क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव डाटा कलेक्शन विच इज कंडक्टेड एट द सेम टाइम। 14 आपका कंडक्टिंग सर्वे इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जनरेटिंग, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी डाटा। तो कंडक्टिंग सर्वे इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ जनरेटिंग प्राइमरी डाटा, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डाटा थ्रू सर्वेज इंटरव्यूज और एक्सपेरिमेंट, ए टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा इज हाउस होल्ड सर्वे। 15 आपका क्वेश्चन नंबर द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट विद इन विच रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड डाटा कैन बी जनरेटेड इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन में सी सिमुलेशन अप्रोच, ठीक है। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट विद इन विच रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड डाटा कैन बी जनरेटेड इज कॉल्ड सिमुलेशन अप्रोच। 16 है मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इम्प्रेसिज्म, तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इम्प्रेसिज्म का क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी बोथ, तो थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस, तो थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस मस्ट बी ऑब्जर्व एंड टेस्टेड टू बी कंसिडर्ड एक्यूरेट। इम्प्रेसिज्म, तो इम्प्रेसिज्म इज बेस्ड ऑन फैक्ट एविडेंस एंड रिसर्च, ठीक है। डैश इज ए ट्रीटमेंट, तो डैश इज ए ट्रीटमेंट अप्रोच विच कंबाइंस साउंड बेस्ड इंटरवेंशन विद सेंसरी इंटरग्रेटिव ट्रीटमेंट टेक्निक्स, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी थेरेप्यूटिक लिसनिंग, तो थेरेप्यूटिक लिसनिंग इज अ ट्रीटमेंट अप्रोच विच कंबाइंस साउंड बेस्ड इंटरवेंशन विद सेंसरी इंटरग्रेटिव ट्रीटमेंट टेक्निक्स। 18 आप इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन लेटरल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन, तो ये किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी पीपल एट द सेम लेवल, ठीक है। 19 है नॉइज टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम बैड आर्किटेक्चर एंड क्लोज्ड डोर्स आर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फिजिकल बैरियर। तो नॉइज टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम बैड आर्किटेक्चर एंड क्लोज डोर्स आर फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। द डायलेक्ट ऑफ, तो द डायलेक्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश बाय एन ऑस्ट्रेलियन इज डिफरेंट देन ऑफ एन अमेरिकन, व्हाट काइंड ऑफ बैरियर इज दिस, तो ये किस तरह का बैरियर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सीमेंटिक बैरियर टू कम्युनिकेशन, ठीक है, सीमेंटिक बैरियर टू कम्युनिकेशन। 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज साइकोलॉजिकल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका दिया गया कोड, तो कोड देख के बताइए, तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 5 आर राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज साइकोलॉजिकल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो फियर एंड डिफेंसिवनेस, फिर आपका फॉल्स अजम्पशन, टेक्निकल डिफिकल्टीज एंड क्लोज माइंडेडनेस, ओवर कॉन्फिडेंस एंड एफेटी, ठीक है। तो ये आपका जो है इसमें आपका 4 नहीं होगा, 4 आपका गलत है, 3 और 5 होगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज साइकोलॉजिकल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो फियर एंड डिफेंसिवनेस, भय और अच्छात्मकता,
फर्स्ट एग्जम्पशन छुट्टी धारणाएं टेक्निकल डिफिकल्टीज तक सॉरी ये नहीं होगा एंगर क्रोध क्लोज माइंडनेस ओवर कॉन्फिडेंस एंड एम्पैथी ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साइकोलॉजिकल बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो साइकोलॉजिकल बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, तो फियर एंड डिफेंसिव फॉल्स अजम्पशन एंगर क्लोज माइंडनेस ओवर कॉन्फिडेंस एंड एम्पैथी ठीक है। और 22 है ट्रांसमिशन इंटरप्शन, तो ट्रांसमिशन इंटरप्शन एंड पावर्स आउटेज आर डैश बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मैकेनिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ट्रांसमिशन इंटरप्शन एंड पावर आउटेजेस आर मैकेनिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है। 23 है मार्क द करेक्ट कोड, तो आपका कोड दिया कोड देखकर बताना कौन सा इसका कोड सही होगा, तो बोथ कोड आर राइट ठीक है, तो आपका दोनों कोड सही है, तो मार्क द करेक्ट कोड, द पब्लिशिंग रियल न्यूज आफ्टर कंपेयरिंग इट विद द फेक न्यूज टू मेंटेन ए स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर इन्फॉर्मेशन वैल्यूज नॉलेज गेट कीपिंग कन्वर्जेंस, तो कन्वर्जेंस इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज मीन्स दैट डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर ठीक है, दोनों आपका सही है। वेन इन्फॉर्मेशन, तो वेन इन्फॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन और अमंग द पर्सन एट डिफरेंट लेवल्स हु हैव नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विथ ईच अदर इट इज कॉल्ड डैश कम्युनिकेशन, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, तो वेन इन्फॉर्मेशन फ्लोज बिटवीन और अमंग द पर्सन एट डिफरेंट लेवल्स हु हैव नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विथ ईच अदर इट इज ए डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो आपका फीचर्स कौन सा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बढ़िया राइट, तो आपका यहाँ पर दिया गया कोड, तो आपका कोड देख के बताना इसका राइट कोड क्या होगा, तो इसका राइट कोड है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 5 ऑल आर राइट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इट शुड नॉट कंटेन एम्बिग्युइटी, कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस, ये मैसेज इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन में बी फॉर्मल और इनफॉर्मल ठीक है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन टर्म इज इन द नंबर सीरीज इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म, आपको इसमें रॉन्ग टर्म देखना कौन सा आपका रॉन्ग टर्म है ठीक है, तो देख के बताइए ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पर दिया गया आंसर ऑप्शन नंबर सी 34 आपका रॉन्ग है ठीक है, तो 3 × 2 + 1 7 7 × 2 + 1 15 15 × 2 + 1 31 होगा ठीक है, आपका 34 है 31 यहाँ पर होगा ठीक है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और है, इफ एम इक्वल टू 13 एंड पेन इक्वल टू 35 देन व्हाट अबाउट द होटल, होटल का मतलब होटल का कौन सा आपका यहाँ पर ऑप्शन होगा, विच विल बी द राइट ऑप्शन हियर ठीक है, आपको देख के बताना बताइए कौन सा इसका राइट ऑप्शन है, तो देखिए इसका दिया गया तो इसका जो राइट कोड है ऑप्शन में भी 60 होगा ठीक है, तो देखिए आपका बनाया गया एम पोजिशनल वैल्यू 13 है एंड पी एन का होगा, तो पोजिशनल वैल्यू पी का 16 ठीक है, ई का 5 एंड एन का आपका 14 ठीक है, तो इस प्रकार आपका 35 होगा और इस प्रकार आपका होटल का होगा ठीक है, एच का आपका 8 ओ का 15 टी का 20 ई का 5 और 12 का एल का 12 ठीक है, इस प्रकार आपका 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ नॉलेज कंसिडर्ड ऑर्थोडॉक्स आस्तिका, तो आस्तिका कौन सा स्कूल आपका है ठीक है स्कूल ऑफ नॉलेज, तो इसका राइट ऑप्शन भी 1 2 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ नॉलेज इज कंसिडर्ड ऑर्थोडॉक्स आस्तिका, तो आपका न्याय सांख्य वैशिष्का एंड उत्तरा मीमांसा, ये आपका इसे आस्तिका स्कूल ऑफ नॉलेज बोलते हैं ठीक है, बुद्धिज्म को छोड़कर आपका सारा जो है यहाँ पर न्याय संख्या वैशिष्का और उत्तर मीमांसा आपका स्कूल ऑफ नॉलेज ऑर्थोडॉक्स है ठीक है, न्याय स्कूल एपिस्टेमोलॉजी एक्सेप्ट 4 out of 6 प्रमाणस एज रिलायबल मीन्स ऑफ गेनिंग नॉलेज, चूज द 4 प्रमाणस एक्सेप्टेड बाय न्याय स्कूल, तो आपको बताना है इसका कोड इसमें से कौन सा सही होगा ठीक है, तो आपका 4 कोड दिया गया आपको बताना है इसमें से कौन सा कोड सही है, तो इसका राइट कोड ऑप्शन नंबर है 1 2 3 4 आर राइट ठीक है, तो न्याय स्कूल एपिस्टेमोलॉजी एक्सेप्ट 4 out of 6 प्रमाणस एज रिलायबल मीन्स ऑफ गेनिंग नॉलेज, चूज द 4 प्रमाणस एक्सेप्टेड बाय न्याय
स्कूल एपिस्टेमोलॉजी, तो आपका प्रत्यक्ष हो जाएगा, परसेप्शन, अनुमाना इन्फेरेंस, ठीक है, उपमाना, कंपेरिजन एंड एनोलॉजी, और शब्द वर्ड टेस्टिमोनी ऑफ पास्ट और प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट, आपका सही रहेगा। अर्थात प्रति पोस्टुलेशन डेरिवेशन और फ्रॉम सर्कमस्टांसेस नहीं होगा, अनुपलब्धि नॉन परसेप्शन निगेटिव कॉग्निटिव प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। तो फोर प्रमाणस एक्सेप्टेड बाय न्याय स्कूल एपिस्टेमोलॉजी, तो प्रत्यक्ष, परसेप्शन, अनुमाना इन्फेरेंस, उपमाना, कंपेरिजन एनालॉजी, सब वर्ड टेस्टिमोनी ऑफ पास्ट और प्रेजेंट रिलायबल एक्सपर्ट। स्कूल डैट टू नॉट एक्सेप्ट द स्कूल डैट टू नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास हेटरोडॉक्स नास्तिका सिस्टम, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4 आर राइट। द स्कूल डज डू नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द वेदास हेटरोडॉक्स नास्तिका सिस्टम, तो इसका बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका एंड चारवाका, ठीक है, ये आपका नास्तिक एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो आपका जो है बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, आजीविका और चारवाका, ठीक है। सम मैनेज रनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सम मैनेज रनिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टिकुलर अफर्मेटिव का एग्जाम्पल है, ठीक है। इन अरिस्टोलेजियन अरिस्टोटेलियन लॉजिक कैटेगरियल प्रपोजिशन आर डिवाइड इनटू फोर बेसिक टाइप, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव एवरी मैनेज रनिंग, यूनिवर्सल निगेटिव नो मैनेज रनिंग, पार्टिकुलर अफर्मेटिव सम मैनेज रनिंग एंड पार्टिकुलर निगेटिव सम मैनेज नॉट रनिंग, ठीक है। प्रिंटर इज रिलेटेड टू हार्डवेयर, तो प्रिंटर इज रिलेटेड टू हार्डवेयर, इन द सेम वे वेब ब्राउजर रिलेटेड टू ऑप्शन में भी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपका ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यू नीड टू पास मी इन दिस कोर्स सिंस आई विल लूज मेनी स्कॉलरशिप, सिंस आई विल लूज माई स्कॉलरशिप इफ यू डोंट, दिस एग्जाम्पल रिप्रेजेंट विच काइंड ऑफ फैलेसी, तो आपको बताना है कौन सा टाइप का फैलेसी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी एट मिसेरिकॉर्डियम, ठीक है, तो एट मिसेरिकॉर्डियम ये आपका फैलेसी है, ठीक है। 34 इन विच परसेप्शन देयर थ्री टाइप्स आर कंसिडर्ड, समान लक्षण, ज्ञान लक्षण, अयोगजा, तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। इन विच परसेप्शन थ्री टाइप्स आर कंसिडर्ड, समान लक्षण, ज्ञान लक्षण, योगजा, तो ऑप्शन में से एक्स्ट्राऑर्डिनरी परसेप्शन, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, तो आपका यहाँ पर मिलाना है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कोड क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी ए का 4, तो सर्च इंजन का हो जाएगा www.bing.com, जॉब सर्च का हो जाएगा 3 www.monitorindia.com, और आपका सी का ईमेल का हो जाएगा www.outlook.com, और ई कॉमर्स का हो जाएगा 2 www.paytm.com, ठीक है। तो ये आपका सही है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग कॉमनली नोन एज बिंग इट इज ए वेब सर्च इंजन ऑन डन ऑपरेटेड बाई माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च इन 2009। मॉनिस्टर इज ए ग्लोबल ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट सॉल्यूशन फॉर पीपल सीकिंग जॉब्स एंड द एम्प्लॉयर्स हु नीड ग्रेट पीपल, हेड क्वार्टर इन हैदराबाद। मॉनिस्टर इंडिया स्टार्टेड इन ऑपरेशन इन 2001। outlook.com इज ए पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर वेब ऐप फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कंसिस्टिंग ऑफ वेब ईमेल कैलेंडरिंग कॉन्टैक्ट्स एंड टास्क सर्विसेज। फाउंडेड इन 1996 बाय सेवियर फाटिया एंड जैक स्मिथ एज हॉटमेल, इट वॉज एक्वायर्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट इन 1997। माइक्रोसॉफ्ट फेस्ड आउट हॉटमेल इन 2011 अक्टूबर, री लॉन्चिंग द सर्विस एज outlook.com इन 2012। पेटीएम पे थ्रू मोबाइल इज एन इंडियन डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बेस्ड इन नोएडा, इट वॉज फाउंडेड इन 2010 बाई विजय शेखर शर्मा अंडर 197 कम्युनिकेशन एंड हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश, ठीक है। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को बताना है कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसका राइट कोड ऑप्शन सी BOIP द ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस एंड मल्टीमीडिया कंटेंट विदाउट ओवर एंड इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पर गलत है, बाकी आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर विदाउट नहीं होगा, विद होगा, ठीक है। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द ट्रांसमिशन ऑफ वॉइस एंड मल्टीमीडिया कंटेंट ओवर एंड इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, विदाउट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सही है, ठीक है। अदर ऑप्शन, तो BCD का होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, UPS का अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई एंड Ubuntu का ऑपरेटिंग सिस्टम, Ubuntu आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। ट्यूरिंग पावर फेलियर अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS
डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम एंड आईटी इक्विपमेंट सेफ एंड ऑपरेशनल, ठीक है। तो वन इंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है, यूपीएस, बीसीडी बाइनरी कोडेड डेसिमल यूपीएस एंड इंटरप्टेबल पावर सप्लाई एंड उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डैश सीजन अवार्ड विनिंग, तो डैश सीजन अवार्ड विनिंग इंटरनेशनली फ्यूल्ड मल्टी मॉडल मल्टी मीडिया ई लर्निंग प्लेटफॉर्म डैट प्रोवाइड्स ए रियल और आर्टिफिशियल ई लर्निंग एक्सपीरियंस डैट इज ऑलमोस्ट एज गुड एज रियल क्लासरूम एक्सपीरियंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्यू, ठीक है, ए व्यू कैम्ब्रिता वर्चुअल इंटरेक्टिव ई लर्निंग वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है तो अमृता वर्चुअल इंटरेक्टिव ई लर्निंग वर्ल्ड, ठीक है, ए व्यू अमृता वर्चुअल इंटरेक्टिव लर्निंग वर्ल्ड डेवलप्ड बाय अमृता ई लर्निंग रिसर्च लैब, दे आर ए पार्ट ऑफ अमृता विश्व विद्यापीठ एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन इंडिया एंड एड्रेस द मोस्ट प्रेसिंग इश्यू ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया द शॉर्टेज ऑफ हाईली क्वालिफाइड टीचर, ठीक है। तो ए व्यू इज ए पार्ट ऑफ टॉप टू ए टीचर प्रोग्राम coordinated by IIT Bombay and funded by the Ministry of Education under the Indian Government National Mission on Education using Information Communication Technology NMEICT along with various other projects virtual labs, haptics and natural language processing. FGU is not deployed at several IITs, NITs and other leading education institutions across the nation. Haptics is the science and technology of transmitting and understanding information through touch, okay? Natural language processing NLP describes the interaction between human language and computers. A few example of NLP that people use every day are spell check, auto complete. ठीक है, क्वेश्चन पर 38 है, mark the correct code. आपका code देख बताना कौन से इसमें सही है. तो इसका right code है option number A, 1, 2, 3 are right. तीनों आपका सही है. तो Ethernet is a family of wired computer networking technologies commonly used in local area network, metropolitan area network and wide area network. Time, तो Tim Berners-Lee invented the World Wide Web. यह आपका सही है. The first commercial web browser, Netscape Navigator, lead in 1994. यह भी आपका सही है. आपका question 39 है. Dash is a web portal launched by Central Board of Secondary Education CBSE of India with the primary aim of promoting information communication technology in a school. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सारांश इज अ वेब पोर्टल लॉन्च बाय सीबीएसई, ठीक है. द फॉर्मर ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी लॉन्च द पोर्टल ऑन 7 नवंबर 2015. डैश इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी इन स्ट्रीम्स रिवर्स एंड लेक्स. अब बताना इसका राइट आंसर क्या है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर अभी डिजॉल्व ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ वाटर क्वालिटी इन स्ट्रीम्स रिवर्स एंड लेक्स. डिजॉल्व ऑक्सीजन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऑफ वाटर क्वालिटी इन स्ट्रीम रिवर्स एंड लेक्स. इट इज ए की टेस्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन. द हायर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन द बेटर द वाटर क्वालिटी. डिजॉल्व ऑक्सीजन हैज नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ बट ड्रिंकिंग वाटर विद वेरी लिटल और नो ऑक्सीजन टेस्ट अनपैलेटेबल टू सम पीपल. टाइप्स ऑफ वाटर क्वालिटी पैरामीटर, तो फिजिकल पैरामीटर टर्बिडिटी टेम्परेचर कलर टेस्ट एंड ऑर्डर सॉलिड इलेक्ट्रिकल सब कंडक्टिविटी ईजी, ठीक है. टाइप्स ऑफ वाटर क्वालिटी पैरामीटर टू केमिकल पैरामीटर, तो पीएच आपका एसिडिटी अल्कलिनिटी क्लोराइड क्लोरीन डिसाइडेबल सल्फेट नाइट्रोजन फ्लोराइड आयरन एंड मैग्नीशियम कॉपर एंड जिंक हार्डनेस डिजॉल्व ऑक्सीजन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सीओडी टॉक्सिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टॉक्सिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है. टाइप्स ऑफ वाटर क्वालिटी पैरामीटर थ्री आपका तीसरा जो है बायोलॉजिकल पैरामीटर क्या है, तो बैक्टीरिया एल्गी वायरसेस एंड प्रोटोजोआ, ठीक है. कुछ आपका 41 है. आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफिक टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अमंग द फॉलोइंग, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है. ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 4 वाई राइट, तो 1, 2, 4, 5 राइट. आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अमंग द फॉलोइंग, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज एंड पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन.
sustainable development goals SDG were born at United Nations Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro in 2012. ठीक है, the United Nations approved the Sustainable Development Goals SDG are also known as the global goals were adopted by the all United Nations member state in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity in 2030. The SDG replaced the Millennium Development Goals MDG, which started a global effort in 2002 to tackle the indignity of poverty. The Sustainable Development Goals set in 2015 by the United Nations are intended to be achieved by 2030. There are 17 goals and 169 targeted. ठीक है, तो आपका जो 17 गोल कौन होगा, नो पॉवर्टी पहला, जीरो हंगर दूसरा, थर्ड आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ आपका जेंडर इक्वलिटी, सिक्स क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवन आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन आपका है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेन आपका रिड्यूस इनइक्वलिटी, इलेवन आपका सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ट्वेल्व आपका रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड पार्टनरशिप टू अचीव द गोल. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG 5 इज एसोसिएटेड विद, तो आपका MDG 5 किसके एसोसिएटेड है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है. तो ऑप्शन नंबर सी टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ. ठीक है, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 5 इज एसोसिएटेड विद टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ. ठीक है, तो द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDG वेयर 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल फॉर द ईयर 2015 डेट हैड बीन इस्टेब्लिश फॉलोइंग द मिलेनियम डेवलपमेंट मिलेनियम सबमिट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 2000 फॉलोइंग द अडॉप्टेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन मिलेनियम डिक्लेरेशन. द सस्टेनेबल गोल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG succeeded the MDG in 2016 and 2015 was set as a target year. ठीक है, तो 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल, पहला आपका गोल है इराडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, दूसरा आपका गोल टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, थर्ड आपका है प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन, फोर्थ आपका है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, सिक्स फिफ्थ आपका है टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, सिक्स आपका टू कॉम्बैट HIV एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीज, सेवन्थ आपका है टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और एट आपका टू डेवलप ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम रियो अर्थ समिट 1992, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा. ऑप्शन नंबर सी आर राइट, 1, 3, 5 आपका सही है. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम रियो अर्थ समिट 1992, तो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड आपका कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. विच इज द लेटेस्ट कंट्री हु हैज साइंड एंड रेटिफाइड द इंटरनेशनल सोलर लाइन ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, तो ऑप्शन नंबर है किंगडम ऑफ बहरेन. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वन ऑफ द मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो ऑप्शन नंबर डी नेशनल मिशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, तो ये आपका नहीं है, बाकी नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन एंड नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सही है, यहाँ पर नहीं है मिशन. ठीक है, तो देर आर 8 नेशनल मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन और नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो इसका राइट आंसर क्या होगा. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, सॉरी डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव ऑफ प्लानिंग कमीशन कौन थे, तो आपका डिप्टी चेयरमैन होगा. ठीक है, एंड प्लानिंग कमीशन आपका 1950 में स्टार्ट हुआ था और इसको जो है हटा दिया गया, डिजॉल्व हो गया 2014 में, इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है. ठीक है, द प्लानिंग कमीशन वाज एन इंस्टीट्यूशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच फॉर्मुलेटेड इंडिया फाइव ईयर प्लान अमंग अदर फंक्शंस. In his first Independence Day speech in 2014, Prime Minister Narendra Modi announced his intention to dissolve the Planning Commission. It has since been replaced by a new institution named Niti Aayog, National Institution for
ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. तो जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पैरामीटर फॉर रैंकिंग अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF. आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैंपस प्लेसमेंट. ठीक है. नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द NIRF इज ए मेथडोलॉजी अडॉप्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रैंक इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. द फ्रेमवर्क वॉज अप्रूव्ड बाई द MHRD एंड लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन 29 सितंबर 2015. डिपेंडिंग ऑन देयर एरियाज ऑफ ऑपरेशन इंस्टीट्यूशन हैव बीन रैंक्ड अंडर 11 कैटेगरीज ओवरऑल. यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, ठीक है, मेडिकल, आर्किटेक्चर, डेंटल एंड रिसर्च. ठीक है. तो ये आपका टोटल 11 डिफरेंट कैटेगरीज है. ठीक है. फ्रीक्वेंसी एनुअल पब्लिशर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इसको फर्स्ट इशू किया गया था 2016 में. ठीक है. पैरामीटर जो है तो टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स TLR. रिसर्च प्रोफेशनल तो रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलेबरेटिव परफॉर्मेंस RPC. ग्रेजुएशन आउटकम GO. आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन PR. मार्क द करेक्ट कोट अबाउट ऑडंतपुरी. तो आपका ऑडंतपुरी के बारे में सही बताना कौन सा राइट है. ठीक है. तो इसका राइट कोट है ऑप्शन नंबर जो है ए. ऑल ऑफ दिस आर राइट. ठीक है. तो ऑडंतपुरी के बारे में सब कुछ सही है. इट वॉज प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट महावीरा. इट इज कंसिडर्ड द सेकेंड ओल्डेस्ट ऑफ इंडियाज महावीरा आफ्टर नालंदा. द एंसेंट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑडंतपुरी इज लोकेटेड एट मॉडर्न डे बिहार एंड मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड ऑडंतपुरी. ठीक है. तो ऑडंतपुरी ऑल्सो नोन एज ऑडंतपुरा. ऑडंतपुरा वॉज ए फेमस बुद्धिस्ट महावीरा इन बिहार इंडिया. इट इज थॉट दैट गोपाला वन द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी ऑफ द बिहार एंड बंगाल रीजन फाउंडेड इन 8th सेंचुरी. मार्क द करेक्ट कोट अबाउट NEP 2020. तो आपको NEP के बारे में बताना कौन सा इसका राइट आंसर है. ठीक है. तो इसका जो राइट कोड है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 आर राइट. तो आपका चारों सही है. तो एजुकेशन इन इंडिया इज ए कॉन्फिडेंटली सब्जेक्ट. MPhil मास्टर ऑफ फिलोसफी कोर्सेज आर टू बी डिसकंटिन्यूड. द HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल हैव 4 वर्टिकल फॉर यूनिवर्सिटीज कैन नॉट सेट अप इन कैंपसेज. ठीक है. तो आपका सही है. ठीक है. ए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI विल बी सेट अप टू रेगुलेट हायर एजुकेशन. द काउंसिल गोल्स विल बी टू इंक्रीज क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. द HECI विल हैव 4 वर्टिकल. नेशनल हायर एजुकेशन तो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC, नेशनल एग्रीडेशन काउंसिल NSC एंड हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC एंड जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC. ठीक है. ये आपका सही है. द डी फैक्टो हेड ऑफ एनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इज द. तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है. द डी फैक्टो हेड ऑफ एनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इज द ऑप्शन नंबर वाइस चांसलर. ठीक है. तो इस प्रकार हमने आज के लिए बस इतना ही. कल हमारा कल आपका जो सेट नंबर जो है 6 पढ़ेंगे. ठीक है. तो मार्च महीने का आपका जो है कल सेट नंबर 6 होगा. ठीक है. तो आज के लिए बस इतना ही. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है. तो आप लोग कृपया करके जो है जिनको देखना है शुरू से प्लेलिस्ट में, तो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में. ठीक है. इसमें आपका 52 वीडियो है. ठीक है. तो इसी प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा. जो आज का वीडियो वो भी आपका इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. ठीक है. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही. आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद. ठीक है.